अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर गुड आल्सो। एंड सुबह सुबह बारिश के बाद पौधे एकदम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, फ्रेश और अमेजिंग लग रही है। और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना कुकिंग करूँगी, तो आई थॉट वाई शुड नॉट आई शेयर दिस विद यू गाइस। एंड तो चले लेट्स जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि गैस प्रॉब्लम है तो इसीलिए सब कुछ सुबह सुबह सारा कुछ रेडी करके रखना पड़ेगा, ताकि गैस के टाइम को मैं देखते हुए सारी कुकिंग हमारी रेडी हो जाए। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं आज की मेरी दो रेसिपीज़, जो एक मैं सुबह मतलब लंच के लिए रेडी करूँगी और एक डिनर के लिए रेडी करूँगी। तो ये वीडियो जो है ये भी दो पार्ट्स में होगी, बिकॉज डिनर के लिए तो डिनर के टाइम पे बनेगी। तो चलें आएँ आपको भी दिखाते। तो अब हम अपनी ना चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं काली मिर्च वाला चिकन। तो उसके लिए पहले दही डाल लेती हूँ मैं अपने बाउल के अंदर। ये ना आधा किलो चिकन है, तो इसमें मैंने मामा से पूछ लिया था, वो कह रही थी ये सिर्फ 3 चम्मच दही जाएंगे। वैसे मुझे लग रहा थोड़े हैं, पर कोई बात नहीं, अभी मैं 3 चम्मच डाल के इसकी मैरिनेशन रेडी करती हूँ। बाद में 3.5 चम्मच डाल के मैरिनेशन रेडी करती हूँ। 4 डाले मैंने, बाद में ना मामा से और पूछ लूँगी। और ये इसमें दही में पहले मसाले डाल लेती हूँ, 1/2 चम्मच मामा ने कहा था नमक डाल रहे हैं। तो वैसे ये जो वीडियो है ना, ये मैंने फूड फ्यूजन के ऊपर से देखी थी, क्योंकि मैं मोस्टली उधर से ही चेक करती हूँ, देखती हूँ जो मुझे सही लगता है, फिर मैं मामा को बता देती हूँ और फिर वो मुझे गाइड करती जाती हैं। इसमें डलेगी नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर और मेरा ट्विस्ट डलेगा बीच में, वो है कलवंजी। मैं 1 चम्मच ले लूँ जी, 1 चम्मच आ गया। मैंने कहा था 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ताकि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और बड़े बड़े लोगों ने भी खाना खाना होता है ना, तो उनका भी ख्याल हमने रखना। 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच, इसको चाय का चम्मच ही कहते हैं ना कि भैया। ओला कलवंजी तो है ही नहीं, ये तो हाली हम कही हुई है यार। चलो है, वैसे पड़ी होगी कहीं ना कहीं, वो भी हम ढूंढ लेते हैं। और चिकन मैं इसमें डालती हूँ, कलवंजी वैसे भी इन्होंने डाली नहीं थी रेसिपी में। तो चिकन मैंने 2 शो के ना रख लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। और जीरा, हमें जीरा पाउडर चाहिए, तो मैं अभी जीरे को ना ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये नींबू, एक टेबल स्पून ना हम लोगों ने नींबू डाला, तो ये मैंने पूछ लिया था, ये 1 टेबल स्पून। आजकल नींबू बड़े ज़बरदस्त किस्म के आए हैं, बहुत ज़्यादा जूसी हैं, इस तरह के जूसी नींबू हमारे वैसे निकल आएंगे, हैं ब्रदर? ठीक, तो चलो ना बोलो, मैं अभी कर लेती हूँ। अभी ये हो गया, ये आई थिंक 1 टेबल स्पून तो डाल ही गया होगा। अम्मी जान चली गई हैं अंदर दूसरे कमरे में, नहीं तो मैं उनको दिखा के पूछ लेती। अभी अंदाजे से करती हूँ। और ज़ीरा ग्राइंड करना है मुझे, आप ज़रा नीचे तशरीफ़ लाएंगे। ज़ीरे को ना ग्राइंड करना है, तो इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमें तो थोड़ा ही चाहिए होगा ना। अब इसका शोर स्टार्ट करना है हमने। हाँ सही हो गया, इसको डाल लेते हैं। तो इसकी स्मेल होगी काफ़ी तेज़, इसलिए मैं इसको कितना डाल दूँ, 1 चम्मच। बाकी खाने में कम डाल लेंगे ना, इसीलिए इसमें कर लिया। अब हमने इसमें तो कोई चीज़, हाँ जी पीपल, तो अब मैं खुद ही स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे भाई को के कंधे में थोड़ी सी ना उसमें उसके दर्द हो रही है आज, तो इस वजह से अब वो चला गया। तो ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया, अब मैं इसको ना खुद ही हैंड से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि वो इवनली सारी जगहों पे मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद ना मैंने ये प्याज़ और लहसुन वगैरह निकाल ली हैं, ये जो है ना इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि ये ना फिर हमने ना हल्के से फ्राई करने हैं, और फ्राई करके तो इनको भी पेस्ट बनाना है, पर इनको ना हम फ्राई करके तो पेस्ट बनाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी में ना, बिकॉज गैस का इशू है ना आपको पता है, तो फिर हम लोगों ने जब इसकी कुकिंग प्रॉपर करनी होगी ना, तब हमें कोई वो कैसे कहते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हमारी गैस के होते तक हमारी कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया, अब इसमें सिर्फ कलवंजी रह गई है, वो मैंने हुड डालनी थी, बट एज़ पर रेसिपी जितनी जितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने थे ना, वो मैंने डाल ली हैं। गरम मसाला मैंने कम डाला है,
बिकॉज वो बाबा की वजह से ना उनको ज़रा हम नमक मिर्च हम उनकी वजह से लाइट खाते हैं तो इसलिए। एंड अब इसको मैं रखती हूँ रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर रखना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, 1 से 2 घंटे के लिए। इसको हमने फ्रिज बंद हो गया मेरा, चलिए खोलिया। इसको इधर रखती हूँ और इसको ना ढकती हूँ किसी चीज़ से। एंड चल एक तो कोई काम करना होना तो चीज़ ही नहीं मिलती। अब मुझे चाहिए ढक्कन और मुझे ढक्कन नहीं मिल रहा। मिल गया। पूरे किचन की सैर करवाऊंगी मैं आपको। ये इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपने प्याज और लहसुन वगैरह काट लेती हूँ, ये सारा खलारा जो मैंने डाला है इसको उठा लेती हूँ, और जब फिर इनको फ्राई वगैरह करना होगा ना तो उस वक्त मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। मैं अब ये सारा गंद वगैरह उठा के ना फिर आपसे मिलती हूँ। ओके हाँ जी गाइस, तो ये देखें किचन हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे बच्चों की तरह नीट एंड क्लीन कर लिया है, और गैस की सूरत हाल ये है और अब इसी के ऊपर हम लोगों ने खाना बनाना है। तो ये मैं अपनी डेक्ची रख लेती हूँ क्योंकि हमने ये सारा प्याज लहसुन वगैरह जो है ना फ्राई करना है। तो ऑयल मैं ले लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना प्याज वगैरह सारा कुछ हमने सौते करके ना मतलब अच्छा सा उसकी ना जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म करनी है, और फिर उसके बाद हमने उसको ग्राइंड करना है और साथ ही अपनी कुकिंग दूसरी वाली स्टार्ट कर देनी है। और मैं देखनी इधर से हंडिया बनाने वाला चमचा ही गुम हो गया सारा। ओ ये गया, मिल गया। इसको लगना है थोड़ा सा टाइम। इसमें हम डालेंगे अपने, मेरा कैमरामैन जो है ना वो चला गया, तो अब ये सारा कुछ इसमें जाना है। और इसने तड़तड़ करना शुरू कर दिया है, इसको मैं इधर रखूँगी क्योंकि मेरा कैमरामैन नहीं है, मुझे खुद ही मेहनत में मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये प्याज डाल दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें ना एक चीज़ और डल दिया, वो है काजू, पर चूंकि मेरे ना माइंड में नहीं था, मैंने रेसिपी 2-3 दिन पहले देखी थी और फिर मुझे ये था कि हाँ चलो सारी चीज़ें घर में, मेरे जहन से ही निकल गया था कि काजू भी डलना है। तो इस बार जो है ना हम काजू स्किप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ये वाली रेसिपी दोबारा ट्राई करेंगे ना तो फिर उसमें मैं काजू भी डालूँगी। वैसे काजू जो है ना सिर्फ आई थिंक 15 to 16 लिखे हुए थे पीसीस, तो वो डालने थे, बाकी सारी रेसिपी सेम थी। तो पूरी रेसिपी में बस हमारे एक काजू नहीं है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अवेलेबल था। और अब ये होगा सोते अच्छे से। ओके एक चम्मच ऑयल इसलिए डाला क्योंकि जब हमने ग्रेवी बनानी है ना तो इसकी जब पेस्ट बनेगी ना तो वो तो साइड पे चल जानी है। अभी इसको फ्राई करने के बाद इसकी पेस्ट बननी है, तो जब तक पेस्ट वगैरह बनेगी तब तक हमने चिकन अलग से जो है ना वो पकाना है, तो उसमें हम ऑयल ज़्यादा डाल देंगे। तो अभी हम इसमें ऐसे ही रखें, अब हम इसमें लहसुन हरी मिर्च और ये सारा कुछ डाल के ना अभी साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से, 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं बिकॉज ऑफ स्पाइसीनेस मैं, और ये अदरक के थोड़े से पीसेज हम लाइक आई थिंक 3 से 4 इंच के अराउंड होंगे। और पानी मैंने लिया नहीं, मुझे पानी भी लेना था उसमें डालने के लिए, मैं इधर से पानी ले लूँ। सारा मैश कर, हमें ना इसको करना है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब इसका कलर ज़रा ना कम हो जाए, बस उतना करना है इसको फ्राई, फिर उसके बाद इसमें पेस्ट बननी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह फ्राई करती हूँ, सौते फ्राई जो भी इसको कहना चाहिए आप लोग, ठीक है। अब इसमें पानी डाला तो इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई।
इसके बाद हम लोगों ने ये मैंने ब्लेंडर वगैरह धो लिया है, इसमें हम इसको ब्लेंड वो ब्लेंड कर लेंगे और बाकी आई थिंक हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं। अब सिर्फ बाकी का प्रोसेस, अब इसका वेट है तो जैसे ये होता है और फिर मैं ग्रेवी स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं आपको ना तब वहाँ से खाती हूँ। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, लेट्स सी के ये ओके वंडरफुल ये अब हो गया है तो इसको हम इसको मैं निकाल के जल्दी से ब्लेंड कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ट्रांसल्यूसेंट हो गया और नरम भी हो गया तो इजीली मेरा ब्लेंड हो जाएगा। तो इसको मैं उठाती हूँ इससे पहले कि ये लगे। एंड एक मिनट, ये आ गया इधर और इसको निकाल लेते हैं। और गैस तेज़ हो गई है तो इसको भी सही कर लेते हैं चूल्हे को ताकि हमारा जो ओला चला गैस ही बंद हो गई। खैर, इसको मैं अभी देसी तरीका हमारा, और ये रही मैच बॉक्स और इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी टू मिनट्स। या नहीं, ये क्या फजूल, देखो ये तो गलत बात है ना। चलो इसको ऐसे ही कर लेती हूँ अभी मैं। खैर, हम निकालते हैं अपना जो हमने मसाला बनाया था इसको हम निकाल के इसमें ब्लेंडर में डालते हैं और फिर इसमें चिकन का अपना ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। सो एक बंदा बेचारा क्या क्या काम करे। इसको ना ठंडा करके तो फिर ब्लेंड करना है ताकि ब्लेंडर ना खराब हो जाए। इसमें मतलब हमें उसमें भी ठंडा करना चाहिए पर मुझे साथ साथ दूसरे काम करने हैं ना, इसलिए मैं इसको निकाल लूँगी। इसको मैं अभी वो ब्लेंड नहीं करूँगी, बस इसमें मैं ना डाल के रख रही हूँ ताकि मैं अपना ना चिकन इसमें फ्राई करना स्टार्ट कर दूँ। और ये गर्म है इसीलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, आई मीन वो दो हाथों से मैं नहीं कर पा रही। और मैं ना इसको इसमें डाल के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, ब्लेंडर कह रही हूँ, ब्लेंडर में मैंने डाल दिया और अब मैंने ऑयल भी रख दिया है। आधा चम्मच मैंने ना ऑयल डाल दिया है इसमें। इसमें अब मैं ये डालूँगी दालचीनी, लौंग है 3-4 और इलायची है 3, वो मैंने खोल के डाल दी है। इलायची इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ना इलायची पाउडर डालना है तो मैं गैस का रिस्क नहीं ले सकती ना, इसलिए मैं ना स्टार्ट में ही इलायची इसमें खोल के डालूँगी बिकॉज वो सिर्फ खुशबू के लिए डालनी है। एंड साथ ही अब मैं इसमें ना मैरिनेटेड चिकन अपना निकाल लेती हूँ। ये आ गया मेरा चिकन और इसको अब मैं चिकन को इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ। ओके, तो ये आ गया मेरा चिकन, माशाल्लाह से बहुत सही ज़बरदस्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसमें डाल देते हैं। इसको कर लिया ठीक है और इसको साफ कर लेती हूँ स्पैचुला से। एक ना एक हाथ वाले बंदे का ना काम मुश्किल ही हो जाता है, मेरे बेचारे कैमरामैन का हाथ खराब हो गया आज। इसको साफ कर लिया, मुझे 2 मिनट दें ज़रा, एक सेकंड सॉरी। हाँ जी दी, ये मैंने डाल लिया। अब ना इसको लो फ्लेम के ऊपर ना 3-4 मिनट के लिए ना पकने देना है। तो हमारा तो वैसे ही माशाल्लाह से लो फ्लेम है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो जब तक ये होता है ना तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं ना हमारा जो ब्लेंडर में है ना ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ इसको इस पे लगा के। एंड आपको बताना तो भूल गई, मैंने ना इसके लिए ना तकरीबन ना 2 बड़े साइज़ के और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज यूज़ किया था और 15-16 जब्बे थे मेरे लहसुन के
और अदरक मेरा ना 3 इंच के अराउंड था, वो मैंने आपको बताया ही नहीं था। ओके ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद हो गई अभी, और चल जाओ भाई, तुम्हें क्या हो गया। ये अब हमने ना इस स्टेज पे इसको, इस स्टेज पे पहुँचने के बाद ना अब हम इसमें अपना ना ब्लेंड किया हुआ वो मिक्सचर डाल देंगे। और ये मैंने अपनी हेल्प के लिए अपनी अम्मी जान को बुला लिया है पास, वो इसमें डाल के मुझे दे रही हैं इसको मिक्स करना। इसमें पानी डाल के तो नहीं करूँ इसको मिक्स, ठीक हो गया। इसी में इसको पकाना है, इसको साफ करने के लिए कड़ा लगाना। बस है अभी उसके अंदर, अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। फिर इसमें डलनी है हमारी 2-3 बेसिक चीज़ें, वो है एक कसूरी मेथी, दूसरा धनिया डलेगा और फिर काली मिर्च डलेगी और दिस इज़ विल बी डन। तो इसको मैं कुक करती हूँ, फिर जब मैं वो वाली चीज़ें डालूँगी और इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी गाइस, तो इस स्टेज के ऊपर ना अब मैं इसमें काली मिर्च और हमारी जो सूखी कसूरी मेथी है ना वो मैं डाल देती हूँ। तो काली मिर्च मैं डालूंगी, ये 1/2 टीस्पून है, और ये 1 से 1.5 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी, मैंने ना थोड़ी सी वॉश कर ली ताकि अगर इसके नीचे कोई भी मिट्टी वगैरह हो तो वो सारी जो है वो साफ़ सुथरी हो जाए। और माशाल्लाह से ये जैसे मैंने वीडियो में देखी थी ना, इसकी कलर वगैरह तो वैसा ही आया है। और बाकी लेट्स सी क्या इसका बनता है, अब टेस्ट में ये कैसा आता है। एंड वन मोर थिंग, मैं फूड फ्यूजन की ना कुकिंग की वीडियोस इसलिए देखती हूँ क्योंकि उसके अंदर ना मेरी गैस ज़रा बंद हो गई है, खैर एनी हो वो मैं ऑन कर लेती हूँ। तो फूड फ्यूजन की वीडियोस मैं इसलिए देखती हूँ बिकॉज़ उसके अंदर ना जो फाइनल टच की मेजरमेंट्स वगैरह होती है ना वो बड़ी क्लियर होती हैं, एंड वो काफ़ी जो है ना बेनिफिशियल रहती हैं, बहुत उनकी मेजरमेंट्स बड़ी प्रॉपर आती है ना, तो इस वजह से। हालांकि मेरी वालदा मोहतरमा जो है ना वो मुझे उसको फॉलो नहीं करने देती, वो कहती हैं देखो ज़रूर मगर जो है ना अपने हिसाब से कुकिंग करो, तो सारे इंग्रेडिएंट्स उनके लो और अपनी ना जो मतलब हमारी डेली रूटीन में जाहिर सी बात है उनसे डिफरेंट होता है ना, तो इस वजह से फिर हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करते हैं। तो ये इसमें डाल गया है, अब इसमें साथ में थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और बाकी जब मम्मी इसका नमक चेक कर देंगी प्लीज़। इसमें धनिया डाल देना है मैंने थोड़ा सा और इसका कुक कर लेना है, और थोड़ा सा धनिया ना फाइनल स्टेज में हम, और इसमें आप नमक देख दें, ठीक हो गया, नमक भी ओके हो गया है क्योंकि हमने लाइट नमक के साथ बनाना था। और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, फाइनल टचेस इसमें एंड पे डलती है हरी इलायची का पाउडर, पर वो हमने स्टार्ट में डाल ली थी इसलिए अब हम इसमें नहीं डाल रहे। तो अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, इसको बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना और फिर उसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ओके सो गाइस, ये मैंने डिश आउट कर लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आया। इस पे ना अब मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ फॉर डेकोरेशन, एंड और साथ जो है ना इसकी जो है ना मेरी सेकंड वीडियो वो सॉरी जो सेकंड रेसिपी है ना उसकी ना मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट बना के ना उसमें दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी जो वीडियो है ना ये काफ़ी लेंथी हो गई होगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाह रही, तो इस वाले को मैं यहीं पर क्या इसे कहते हैं एंड करती हूँ। और आपके लिए ना नेक्स्ट वीडियो ये कंटिन्यू रहेगी, जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है ना जो मैं राइस बना रही हूँ, बेसिकली सिंपल चिकन वेजिटेबल राइस है, चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल राइस, तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी इसको हम रोटियाँ हमने मंगा ली हैं, रोटियों के साथ हम सर्व करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay.